morning, all of you. Today, again discuss the topic Tringle based on question on the. Good morning, sir. On the Thales theorem, yeah, converse of Thales theorem. The statements of Thales theorem. Do you know a statement of Thales theorem? कोई बताओगे? A statement of Thales theorem. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, intersects other two sides in distinct point, then other two sides divide in the same ratio. If BE parallel to BC, AD by DB equal to AE by EC. ये आपका थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन अदर टू साइड डिवाइड इन द सेम रेशियो बट कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कि इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड इट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी इट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज Exercise 6.2, question number 5, question number 4, draw a triangle ABC, DE parallel to, AC. इस AC से पैरेलल एक लाइन है DE. BE गिवन इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC. फर्स्ट गिवन DE पैरेलल टू BC. ऑल्सो DF पैरेलल टू AE. अगर आप इस ए को ज्वाइन कर देते हैं तो इस ए का पैरेलल एक लाइन है डी एफ यानी दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन यानी डी एफ ऑल्सो डी एफ पैरेलल टू ए टू पार्ट दिया हुआ है देन प्रूव दैट टू प्रूव आपको इसमें प्रूफ करना है BF by FE इक्वल टू BE डिवाइडेड बाय EC ये आपको प्रूफ करना है कि BF by FE इक्वल टू BE बाय EC क्वेश्चन क्लियर है अब इसमें हम यूज करेंगे थेल्स थ्योरम का यूज से ये प्रूफ होगा कैसे बोलेंगे इन ट्रायंगल आपका जैसे फर्स्ट पैरेलल है DF पैरेलल टू AE DF पैरेलल टू AE तो इन ट्रायंगल ABE में प्रूफ में इन ट्रायंगल
ए बी ई में डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई बाय बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, बी एफ बाय एफ ई इक्वल टू बी डी बाय डी ए। आप लिख सकते हो यहां पर बी एफ बाय एफ ई इक्वल टू बी डी बाय डी ए, इक्वेशन वन। इसको ऑलरेडी हम लोग थेल्स थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं, यहां पर केवल बाय बीपीटी लिखना है। सेकेंड, इन ट्रेंगल बी ए सी लिखिए या बी सी ए लिखिए, इन ट्रेंगल ए बी सी पूरा ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल ए बी सी में आप देखिए कि पैरल लाइन कौन है, तो डी ई पैरल टू ए सी गिवेन, डी ई पैरल टू डी ई पैरल टू ए सी। DE parallel to AC. Again by BPT, this line parallel to this line. So आप जब ये दोनों line आया तो first divide है आपका ये, यानी BE by EC. BE by EC equal to or BD by DA, BD by DA, equation 2. From equation 1 and 2, in first equation BD by DA, also second equation BD by DA, दोनों का RHS equal है, LHS भी equal होगा, from equation 1 and 2, या compare equation 1 and 2, BF by FE, BF by FE equal to BE by EC, आपको यही प्रूफ करना है, BF by FE equal to BE by proved. इसमें किसी को प्रॉब्लम है इन दिस क्वेश्चन? ये समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर 5, डी ई पैरल टू ओ क्यू, एक ट्रेंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर डी ई पैरल टू ओ क्यू, तो इस पी क्यू आर में इन द इंटीरियर ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, यहां नाम दे दिए ओ, इसको ज्वाइन कर दिए ओ पी ओ क्यू और ओ आर, रो अनदर लाइन EF join
इसका नाम है बी गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू बी ई पैरेलल टू ओ क्यू और सेकेंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर so that you have to prove EF parallel to QR EF parallel to QR it is clear question in triangle PQR In triangle PQR DE parallel to OQ and after this line parallel to this line. Okay? Second DF parallel to OR this line parallel to this line. ये दो line parallel है. तो आप प्रूव कीजिए डी एफ पैरेलल टू क्यू आर यहां पर दोनों बाय बीपीटी का भी हम यूज करेंगे और कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी यूज करेंगे फर्स्ट इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ई डी या डी ई पैरेलल टू ओ क्यू तो बाय बीपीटी पीई बाय ई क्यू इक्वल टू पी डी बाय डी ओ Again, in triangle POR, if DF parallel to OR, by this term, PD by DO is equal to PF by FR. From equation 1 and 2, yeah, compare equation 1 and 2, say EF parallel to QR from equation EF parallel to QR इसी को हम लिखते हैं कि किस प्रोसेस से जिस प्रोसेस भी बताए हम इसको First, in triangle POQ, POQ, DE parallel to OQ, DE parallel to OQ by BPT या by first term PD by DO equal to PE by EQ equation 1 now in triangle POR in triangle POR DF parallel to OR DF parallel to OR again by PPT PD by DO equal to PF by FR PD by DO equal to PF by FR this is equation 2 also by BPT from equation 1 and 2 LHS
in the first equation PD by DO, also PD by DO in second equation. So compare equation 1 and 2, equation 1 and 2, PE by EQ by EQ is equal to PF by FR, PF by FR, PF by FR, PF by FR. फर्स्ट कह रहे हैं कि PE by EQ, PE by EQ और सेकेंड कह रहे हैं PF by FR. तो इस लाइन का यानी ED EF डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, फर्स्ट साइड PQ, अदर साइड PR, इन द सेम रेशियो यानी PE by EQ is equal to PF by FR. देन लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड यानी EF पैरेलल टू QR. इट इज कन्वर्स ऑफ PPT. By converse of BPT से आप कह सकते हो EF parallel to QR. तो यहां पर हम तीन बार यूज किए, दो बार BPT और थर्ड कन्वर्स ऑफ BPT. इट इज क्लियर. Now, next question. Question number 9. ABCD is a trapezium in which AB parallel to DE, AB, CD AB parallel to BC and its diagonal intersects each other at the point of O and diagonal intersects at the point O, prove that आपको इसमें प्रूव करना है कि AO by BO, AO by BO is equal to CO by DO. This is question. यहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन हम यूज करेंगे BPT. मैं चेक करूंगा यूज. Draw a trapezium ABCD. जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ. डायगोनल ए सी and another diagonal BD intersects at the point O. Now prove AO by BO, AO by BO is equal to CO by DO. First given AB CD is a trapezium
AB parallel to DC diagonal intersects at O. तो प्रूव आपको जो प्रूव करना है AO by BO equal to CO by BO. Next, एक इसमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ OE parallel to AB या DC, किसी का भी पैरल आप ड्रॉ करो. AE का ड्रॉ करो या AB का ड्रॉ करो कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ EOE पैरल टू BA. OE parallel to BA in triangle ABD. अब हमको प्रूव करना है तो इस ट्रेंगल में ABD में if OE parallel to AB by BPT AE by ED is equal to BO by OD. आप लिख सकते हो प्रूफ में इन ट्रेंगल ABD if EO parallel to AB by Thales theorem या by BPT by Thales theorem से, या तो आप इधर से भी रेशियो लिख सकते हो कि DE by AE equal to DO by OB, या आप नीचे से भी आ सकते हो उसका रेशियो. तो चलिए ऊपर से लिखते हैं AE by ED AE by ED equal to BO by DO. Equation 1, आपका गिवन AB parallel to DE और AB also parallel to OD, ये OE. तो from ये इसका parallel है और ये इसका parallel, इससे इस दोनों parallel होगा या ये दोनों parallel होगा. यहाँ पर लिखेंगे if AB parallel to DC and AB parallel to EO, AB DC का भी parallel है और AB EO का भी parallel है, therefore so आप लिख सकते हो EO also parallel to DC. EO also parallel to DC. Now in triangle ACD में, in triangle ACD EO parallel to BC by Thales theorem AE by EB equal to AO by OC. AE by EB equal to AO by CO. This is equation 2. From या compare equation 1 and 2
both equations is equal to AE by ED और AE by ED. तो कंपेयर करने के बाद दोनों का RHS इक्वल होगा, यानी आप लिख सकते हो BO by DO, BO by DO इक्वल टू AO by CO. ये आपका प्रूफ है. अंतर यही है, यहां पर लिखा हुआ है AO by BO, यहाँ है AO by CO. आप इसको रेसिप्रोकल या आप डायरेक्ट लिख सकते हो उस फॉर्म में लाने के लिए AO by BO, इसको हम लिख सकते हैं AO by BO and this by this equal to CO by TO, CO by TO. दोनों सेम ही चीज है. कैसे? अगर आप इसको क्रॉस करोगे तो BO into CO, BO into CO is equal to AO into DO, AO into DO. और इसको भी क्रॉस करो तो BO into CO is equal to AO into DO. तो दोनों सेम आ रहा है, इससे क्रॉस करने के बाद इक्वल, इसलिए this is equal to this हम लिख सकते हैं. कभी कभी आपको ये भी प्रूफ करने दे देगा, कभी ये भी प्रूफ करने दे देगा, दोनों सेम इक्वल. इट इज क्लियर? किसी को प्रॉब्लम इसमें? आवाज कहां से आ रही है? हेलो, आयुष, ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, तो आगे बढ़े. क्या आ गया विशु? देखो तो विशु, गवर्नेंस ये हो गया, इसको करना स्विच ऊपर चले आपका मां करना था ऑलरेडी प्रिपेयर अंदर में होगा खत्म. फिर से होगा स्टार्ट. हां, तीन हो गया, छोड़.